एक्चुअली क्या हुआ है ये तो आप देख लेंगे, ये कैरेक्टर जो मैंने प्ले की कर रहा हूँ अमर्त्य, अमर्त्य जैसे मैं उसको बोलता हूँ, मंगली बाबू, तो ये है तो बहुत ही स्वीट बंदा, बहुत ही मतलब मेरे आई थिंक मेरे करियर में सबसे पॉजिटिव नाइस बॉय कैरेक्टर मैंने प्ले किया, ये एक वैसा कैरेक्टर है अमर्त्य चट्टोपाध्याय। तो ये जो है इसकी बाकी सब चीज़ें बहुत कमाल की, इसे बस क्या है करंट जो होता है करंट उससे थोड़ा सा डर लगता है, और इतना डर लगता है इसको, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा पगला जाता है, और करंट लगने पर ये अपने स्वीट सेल्फ से बदल कर कुछ और बन जाता है, कुछ भी और बन सकता है। अब आज के जो जिसकी बात आप कर रहे हैं उसमें ये सडनली सुल्तान पहलवान बन गया, और इसने जो इसके सामने आया उसकी धुलाई कर दी, बेचारा उसकी भी क्या, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जैसे ही कनेक्शन किसी करंट या किसी मशीन से आ जाता है ये थोड़ा सा पगला जाता है और उस पागलपन में धो देता है। वो पता तो नहीं चलता, लेकिन ये जो कैरेक्टर है इसका एक थोड़ा सा सेंस है, इसका एक बैकग्राउंड है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इसको किस वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और उस डर की वजह से इसका आप कह सकते हैं कुछ लोगों के कुछ सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, कुछ लोगों के स्मेल बड़ा एक्टिवेट होता है कि आप सूंघ लेते हैं कि अरे अरे यहाँ पे कुछ खाना पक रहा है, दूसरा आदमी बोलता रहेगा क्या, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिक्स मशीन का जो सेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं भी हल्की सी मशीन है तो मशीन अच्छे इसका शुरू हो जाता है। तो आई डोंट थिंक इसे पता चला है कि रजनी से कुछ कनेक्टेड है, लेकिन क्योंकि रजनी एट द एंड ऑफ द डे इंसान नहीं लेकिन एक मशीन, जैसे ही उसके आसपास के उसके 2 मीटर के रेडियस में कोई भी मशीन आ जाता है तो ये फपल जाता है, परेशान हो जाता है, और वही हुआ, किसी भी नशे वाली चीज़ से दूर रहता है, क्योंकि वैसे ही इसको बड़ा आप देख सकते हो इसको बहुत पंगा चला हुआ है कि इसका एक इतना बड़ा क्या कहते हैं नहीं ये तो किसी भी नशे वाली चीज़ से दूर रहता है, क्योंकि इसका एक ही इतना बड़ा डिफॉर्मिटी है कि ये मतलब पगला जाता है एक इलेक्ट्रिकल चीज़ को देखकर, तो और ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे वो अपना आपा खो बैठे वो तो दूर ही रहता है उस चीज़ से। और हाँ आगे आगे आप देखेंगे कि उसकी ये जो लिमिटेशन है उसका कैसे रजनी फ़ायदा उठाती है। पता तो मुझे भी बहुत कुछ चला है, लेकिन ऑडियंस को पूरी तरह पता चलने के लिए थोड़ा टाइम दो, रसगुल्ला खाएगा हम। कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो देख रहे हैं वो देखते रहिए, जो कुछ वक्त तक नहीं देख रहे थे वो अब देखना शुरू कीजिए, जिन्होंने कभी नहीं देखा वो तो देखना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारा है हमारा नाम है अमर्त्य चट्टोपाध्याय, हमको देखने के लिए हमारा एंट्री को देखने के लिए ज़रूर आइएगा और देखिएगा भाऊ हमारी रजनी का। नहीं ये कैरेक्टर ही इतना प्यारा है, इससे कोई प्यार ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाकी वो अलग बात है कि जब थोड़ा सा इसकी सटक जाती है तो ये धुलाई कर देता है, बट अदरवाइज़ कोई भी इसको देखेगा मिलेगा तो उसको इससे प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि और एटलीस्ट जो मेरी मैं जितने क्या कहते हैं जो भी बंगाल से बिलोंग करते हैं मैं जिससे भी मिला हूँ वो होते ही बहुत ज़्यादा स्वीट है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं होते, मैं कश्मीरी हूँ मैं भी स्वीट हूँ ऐसा नहीं है, हिंदुस्तानी स्वीट होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बंगाली आई डोंट नो देयर इज समथिंग अबाउट देम, शायद उनका रसगुल्ला जो है ना वो उनको एक्स्ट्रा स्वीट बनाता है, तो ये है बहुत स्वीट, तो इससे आप लोग प्यार करोगे ही, मतलब बाकी से तो कर ही रहे हो, इससे भी कर ही लोगे, लेकिन प्यार बरकरार रखिएगा, ऐसे ही रखिएगा, और मतलब अपने देखते रहिएगा, प्यार बांटते रहिएगा, और दूसरों को भी बताइएगा कि इतनी कमाल का प्रोग्राम चल रहा है वो भी देखें और अपना प्यार बांटें।